जिम्बाब्वे आती है और मैं दूर दराज से आए हुए कमाचियों का भी स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट के लिए। शेयर कर दे आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। गोरखपुर वर्सेस बनारस के बीच बड़ी मशहूर जो है, लेकिन वक्त निकाला गया और इस तरह यहाँ जाए। मैं बहुत ज्यादा कृपा कहकर कहना चाहूंगा कि ये खेल जो होता है ये बाकी विषय को मजबूत करता है। खिलाड़ियों के लिए जो तालमेल होता है उससे मजबूत आती है। तो खेल को खेल की भावना से खेले। अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी खेल की वजह से जो है आपसी विसार हो जाता है, मारपीट करीब नौबत आ जाती है, घटना झंझट हो जाता है। तो खेल को खेल की स्थिति से खेले और अंपायर का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, इसलिए हमेशा आप अंपायर के फैसले को माने और खेल को खेल की भावना से खेले। बस यही करने वाले में शुक्रिया। तो ये थे हमारे इस टूर्नामेंट की रोहिदवा, हमारे इस टूर्नामेंट की आन बान और शान चला गए मास्टर मामी साहब राम दुआ, जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। बहुत मुख्तसर वक्त उन्होंने लिया और इस मुख्तसर वक्त में बहुत अहम अहम और बहुत कीमती बातें जो है हम तमाम लोगों को बताई। उन्होंने कहा खेल को हमेशा भाईचारगी से खेलना चाहिए, खेल को हमेशा खेल की तरह खेलना चाहिए। हमेशा जनाब मास्टर मौली साहब कह रहे थे खेल हमेशा मोहब्बत का, अमन का, वफा का, कौमी एकजुटी का और एकता अखंडता का पैगाम देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मौली साहब, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में हम तमाम लोगों को जो है कीमती अपनी कीमती बातों से सरफराज किया। आपका फिर से एक मरतबा मोस्ट वेलकम है। तो जबरदस्त अपने मेहमान का वेलकम किया गया और बताया गया कि ये बकरा कप की खेल 2022 जो आपके सामने चला है, इसका आज फाइनल डे। और मास्टर बाबू साहब ने बताया कि ये खेल का मैदान है और खेल के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो कलम। आप कलम पकड़ ले सच्चे और सच्चे दिल इंसान बन जाएंगे। और ये भी कहा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो बनवासी करने के लिए पहुंच जाए। जी हाँ, फटाफट सारे लोग शेयर करते रहे। खेलोगे कूदोगे गुटखा खाओगे मोबाइल चलाओगे बनोगे खराब। ये भी बताया मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन मास्टर मामी साहब ने कहा कि आज हमारा नौजवान इन सब चीजों में कहाँ है, कलम कहाँ पकड़ रहा है। आज तो हमारा नौजवान मोबाइल पकड़ रहा है, आज हमारा नौजवान पबजी फ्री फायर खेल रहा है। तो ऐसे नौजवानों का क्या मुस्तकबिल होगा। तो बल्लेबाज पहुंच जाए और एक बड़ा ऐलान यह है दोस्त कि जो पर्पल कैप है जिसके तौर में अब तक सबसे ज्यादा विकेट मैं देखा हूँ, कि तीन चार नाम से ज्यादा शेयर कर दे, ज्यादा शेयर नौ विकेट लिया। मिर्जा सलमान 8 और वसामा पांडे 5, मोहम्मद अहमद 5, ये मैं देखा हूँ पर्पल कैप की दौड़ में है। और इस कैप की बात आती है तो वो नाम जो आज से नहीं बड़े जमाने से रहा है वो नाम नमान कैप्टन गोरखपुर मंत्री लगातार को समझा फौरन सलामी बल्लेबाज को देते। इस वक्त का अगर बात की जाए वक्त की तो 1 बजने वाले हैं और अभी हमको 2 मैच खेलना फाइनल तक का सफर करना है। उसके बाद जो है इनामों की सेरेमनी होनी है, इनामों की तकसीमात होने हैं और तमाम बीच बीच में तमाम मेहमानों का वेलकम और इस्तकबाल भी करना है। तो आप फौरन वक्त की लगातार को समझे अपने सलामी बल्लेबाज को देते। कैप्टन गोरखपुर आप फौरन सलामी बल्लेबाज को भेजे। हमारे बीच एक और मेहमान खास जनाब असलम खान फरान दुबावा, आपका भी मोस्ट वेलकम और खैर मकदम है। एक और नौजवान, एक और शहजादा जो इसी गांव में पढ़कर आज सरयमाश की वजह से दुबई में जरूर था लेकिन जो है टूर्नामेंट के लिए खुशी मस्त आपने निकाला, मोहम्मद वसीम खान आपका भी वेलकम और खैर मकदम है।
मैं देख रहा हूं लगातार शुरुआती दौर से तमाम खिलाड़ियों के हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप अपने कल्ब के पैमाने को भी छलका रहे हैं, बारी बारी से इनामों की तकसीमात भी कर रहे हैं। आपका वेलकम और खैर मकदम है। दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, बड़ा मुकाबला है, हाई स्टेज मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला। पहली फाइनल में पहुंचने वाली टीम असल इलेवन कोयलारी और इस मुकाबले को जो अपने नाम करेगी टीम गोरखपुर, टीम वाराणसी, वो फाइनल का टिकट पालेगी। उसके बाद फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। मैं चाहता हूँ मुकाबले की पहली गेम हो और मैं अपने अर्जुन अजीज उस शहीदों कॉमेंटेटर जिसके लिए बार बार कॉल भी आ रही है कि आप अबू तालिब से कहिए कि वो बारी बारी जो है अंग्रेजी कॉमेंट्री करें, क्योंकि आपका जो अंग्रेजी और हिंदी का कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही जो है दिलचस्प है, बड़ा ही बेहतरीन है। तो मुकाबले की पहली गेंद और माइक्रोफोन पर हमारे सहयोगी कॉमेंटेटर मिस्टर अबू तालिब फराम चौधरी। जब का भाई बड़े विश्वास का है कि तालिब जो सब मेरे गांव में इंग्लिश कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ में हिंदी का भी कम्युनिकेशन है जो मात्र समान है दोस्त। और ऑरेंज कैप के दौर में वो नाम तीन है, एक तो नाम बड़ा मशहूर है जो नाम आजमगढ़ के नौजवानों के ऊपर पत्थर के बोल रहा है। नुमान अभी तक 114 बनाए हैं, राशि शेरवानी 105 और उनके साथ मैं देखा हूँ अमन वाराणसी 94। ये ऑरेंज कैप के दौर में है, आगे टूर्नामेंट में क्या होगा मैं कमेटी के लिए छोड़ रहा हूँ तालिब भाई जोनसन को। गोरखपुर बैटिंग कर रही जो बैटिंग टीम का डगआउट है उसमें दर्शक जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वो खिलाड़ियों की जगह उनसे छोड़ दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया विशाख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आपके हौसला अफजाई के लिए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट से जुड़ने का मौका दिया है। आइए इस बेहतरीन मुकाबले के लिए, कांटे की टक्कर को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपनी जगह से उठने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दो टीमें अयान इलेवन वाराणसी रवि इलेवन की टीम जो है पहले बिल्डिंग कर रही है और वही टॉप जीतकर विकी इलेवन गोरखपुर की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आठ फलन बारों का मुकाबला है। आइए थोड़ा सा वक्त मैं शुरू कर दूं। दोनों टीम के कैप्टन अपने एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर को यहाँ पर भेज दें। गेंदबाजी की शुरुआत कौन कर रहा है? शेखर यादव। पर शेखर का कल तूफान आया था, अब आज क्या होगा? पहली गेंद गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार है गणेश तैयार। सामने वाले छोर से राइट हैंड ओवर। पहली गेंद इस बार हाफ ऑफ एंड अपील फ्रॉम द बॉलर नॉट अकंपनीड बाय हिज टीममेट्स एंड वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल एंड माउथ वाटरिंग कंटेस्ट ऑफ दिस सेकंड सेमी फाइनल बिटवीन गोरखपुर वर्सेस आयान इलेवन वाराणसी। दोस्त वी हैव सीन द लेटर, दिस इज द सेकंड सेमी फाइनल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट विच इज ऑर्गेनाइज इन दी ऑर्गेनाइजेशन टीम ऑफ मिस्टर काशिफ उर्फ बुड्डो एंड राशिद मोहम्मद मार्फी। शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा। कर दिया है कि गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। गेंद विकेट बैट को थोड़ी देर बाद आवत है।
अब इन्हें चालू करे हो ना, अब इन्ना स्टार्ट हुआ है पहला बार चलन था बनारस फील्डिंग करन थी बैटिंग गोरखपुर करन थी अरे भैया भैया अखिलेश भैया गणेश तिवारी करन है आठ ओवर का मैच है बस बस स्कोरिंग चालू होगी थोड़ा सा लेट उठाती है भाई बहुत अच्छी है पढ़ाई के बाद बहुत तेज निकलती है और बल्लेबाज के समझ में ना हम पर भी खेलते भी कैसे खेली बहुत तेज बल्ला फाजे रहे और सन की आवाज यहाँ तक आई रही अगर बैट पे लग जाती तो कहाँ जाती कुछ समझ में ना होता है लेकिन ये यहाँ देर से आवा हो गया हम बताएंगे फाइनल मैच खेला जाता है अगली गेंद बल्ले का मोटा किरा छोटे ही गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद खालिद खान साहब बकरा जनाब मोहम्मद खालिद खान साहब बकरा मिस्टर अकमल बकरा जो इस वक्त कतरा में है नाज मैटो सरायमीर एकल बैग भाजपा मंडल अध्यक्ष अबू शहमद जनाब मुशीर अहमद साहब सावनी मोहल्ला ये तमाम लोग हैं जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपना न्यौछावर कर दिया है कह सकते हैं योगदान योगदान दिया हुआ है हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं पहला ओवर चल रहा है और अभी भी बोर्ड पर सिर्फ मात महज एक रन बना है बल्ला खामोश है अब तक दोनों बल्लेबाज शेखर यादव और परवीन गिल का लेकिन कह सकते हैं कि ये तूफान के आने की पहली खामोशी है तूफान एक बार आया था कल हमने देखा था इस तरीके से शेखर ने बल्लेबाजी की थी भाई हमारे बीच मौजूद है जनाब मास्टर वामिक साहब तोमा मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाब मुख्तीन खान साहब बकरा जनाब मोहम्मद फहद खान साहब बकरा ये मेहमान खसूस इस वक्त हमारे बीच मौजूद है For the second over, Raja comes to the attack and the ball which is picking outside of the middle has been played that one, not come from the middle of the bat. As umpire, Ravin Mishra is on his file by signaling that's the four. Welcome boundary, first boundary for Shekhar, not from the middle of the bat. But the good thing for the batting side, Shekhar, that is getting a four runs and with that four, his score tally is now five on the board in the second over of this big contest between Ayan 11 Varanasi and Vicky 11 Gorakhpur. After winning the toss, the captain Gorakhpur has decided today that they will bat first and give a mountainous target to the opposition team because the team is so good in its batting lineup. Here we go. Raja on again, the ball getting in the near part of the bat and looks up in the ball. Like a flash of this referee and the ball races away almost to file it another boundary back to back second boundary now the runs are coming nine without loss nine in the second over of the game this is the second semi-final match dusra semi-final mukabla hai kya zabardast ye mukabla chal raha hai aur main dekh raha hu ki hamare do janab master wabik sahab toman janab muhtasim khan sahab aur mohammad fahad khan sahab ye mehman khusus aaj hamare beech maujood hai ye aap tamam logon ka हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं वाइड गेंद का इशारा कर दिया है रवि मिश्रा जी ने स्कोर कार्ड जिन से एक रन के साथ दहाई के आंकड़े को पूरा करता हुआ दस रनों पर पहुंचता हुआ टेन विदाउट लॉस कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट नो मैन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड दुनिया में कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता है लेकिन आप मुकम्मल बन सकते हैं कामयाब बन सकते हैं अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करेंगे तो काम बनेगा मेहनत करनी पड़ेगी नमीर वायर लॉस्ट एंड वन बाउल स्ट्रैश दो रिकवर्स अंपायर सिग्नल दैट्स द थर्ड कंसेक्यूटिव बाउंड्री इन दिस ओवर फ्रॉम द बैट ऑफ यार अब इतना उठा है तेरा नेटवर्क क्वालिटी में सही है नहीं सही है अरे यूट्यूब टू चालू करो तो बंद ना करे ये फ्री वाला है ना सारा चले
शेयर करते रहे, जितने लाइक शेयर करते रहे, लाइक शेयर करते रहे। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हुआ है अभी, पर स्कोरिंग चालू है, अभी अपडेट हो जाएगा। राजा ने एक तीन लगातार हैट्रिक चौके लगने के बाद वापसी की है इस ओवर में तैयार। राजा की अगली गेंद को लॉक कर दिया है खिलाड़ी, वहां पर तैनात किया था इसी शॉट के लिए, और इस तरीके से शेखर का एक बहुत बड़ा विकेट गया है। कहीं ना कहीं बहुत फर्क आएगा क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में की थी और इस मुकाबले में भी तीन चौका लगाकर खेल रहे थे, लेकिन जहां पे खिलाड़ी नहीं था पिछला शॉट इनके पहले वहीं पर गया था, कप्तान ने सोचा और वहीं पे फील्ड लगाई और बिल्कुल उसी जगह पर वहां पर कैच कर लिए गए। तो निराश कदमों के साथ वापस आए बल्लेबाज शेखर, 12 का स्कोर किया अपने टीम के लिए। और अब नंबर 3 पर मैं अक्सर कहता रहा हूं कि नंबर 3 का खिलाड़ी टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी होता है, कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी होता है। स्कोर कार्ड इस वक्त कुल मिलाकर 15, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरा ओवर चल रहा है, ये पारी का दूसरा ओवर है और 15 के लिए स्कोर पर पहला विकेट खो दिया है। आइए राइट हैंडेड बल्लेबाज जो पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अब बजरंगी को भेजा है इस तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। कैसी बल्लेबाजी करेंगे, यहां से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अफजल 11 कोहलारी नुमान कंपनी ऑलरेडी वेट कर रही है कि कौन सी टीम के साथ सामना करेंगे। राजा तैयार, सामने वाले शेयर करो भाई लोग ज्यादा से ज्यादा। बजरंगी है ड्राइव कर दिया है फिर से वहीं पर, खिलाड़ी जो तैनात उसी के पास गेंद पहुंची है और जब तक गेंद एक रन के साथ खेली जाए, एक रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 16 ऑन द बोर्ड इन द सेकेंड ओवर ऑफ द सेकेंड सेमीफाइनल विच इज प्लेइंग हियर इन द वेन्यू, वंडरफुल वेन्यू ऑफ बांद्रा आजमगढ़। दिस इज द काशी T10 क्रिकेट लीग खिला प्रिया टूर्नामेंट का आज ये आखिरी दिन, और मैं देख रहा हूँ कि जनाब कमलाकांत राजभर विधायक विधानसभा 350 दीदारगंज हमारे बीच आ चुके हैं। दोनों वही में से कई देखते याद रखे खाली, अब क्या करें। चलो रंजीत सिंगल, बल्लेबाज जो खेल रहे हैं शुभम यादव है, तो हाथ उठा दें शुभम जायसवाल। जी हाँ, शुभम जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, तो अपने खिलाड़ियों का निक नेम ना बताएं, आपका जो ओरिजिनल नेम है उसको बताएं। शुभम यादव, शुभम जायसवाल माफ कीजिएगा, शुभम जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और आज हमारे देश में देख रहा हूँ कि हमारे देश इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके चेहरे माननीय जनाब कमलाकांत राजभर जी विधायक विधानसभा 350 दीदारगंज जो आज हमारे बीच आ चुके हैं, हम आपका आने वाले हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस बेहतरीन क्रिकेट के माहौल को और खुशनुमा करने के लिए आज हमारे विधायक जी इस टूर्नामेंट में आने वाले हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो बेहतरीन तीसरे ओवर की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, क्या गणेश अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर करेंगे? बॉलर का नाम बता दीजिए। कहा नाम बताया सर? गणेश। गणेश अपने कोटे का आखिरी ओवर और अपने टीम के लिए तीसरे ओवर की जिम्मेदारी में आप यहां पर आए हैं, क्या होगा? दो ओवर में अभी तक रन बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, सिर्फ 16 रन बने हैं। गणेश की अगली गेंद मौका बन सकता है, और जी हां, यहां पर मौका दिलाया है शुभम, आउट होकर जा रहे हैं। एक रन का स्कोर किया और इस तरीके से कैच कर लिए गए। कहीं ना कहीं अब परवीन गिल के ऊपर जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके की बल्लेबाजी दीपक ने की थी कुछ उसी अंदाज में अब बल्लेबाजी करना पड़ेगा। क्या दीपक जाएंगे? नहीं, अभी और किसी बल्लेबाज पर एतमाद जताया है कि थोड़ा सा परेशानी में है, पिंच हिटर है दीपक तो उनको रोक कर रखा है। कौन जा रहा बल्लेबाजी करने के लिए? अंगद यादव जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कल हमने देखा था कि आखिर में 3-4 हिटिंग बहुत ही शानदार की थी उन्होंने, नंबर 6 के विकेट में बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। और अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि टीम की नैया जो है बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है। दे आर इन लुकिंग इन ग्रेट ट्रबल नाउ, वेट एंड सी हाउ दिस मिडिल ऑर्डर कैन एडजस्ट द बॉलिंग ऑफ गणेश एंड राजा। दे आर बॉलिंग टू वेल, बॉलिंग ट्रीमेंडसली वेल। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट जनाब माननीय कमलाकांत राजा
अजमेर की विधायक विधानसभा 350 दीदारगंज आज हमारे बीच आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में आपका मोस्ट वेलकम है। बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे आपका और आज वो घड़ी आ चुकी है जो घड़ी का इंतजार पिछले 4 दिनों से यहाँ के लोग कर रहे थे। हमारे इस एरिया के, हमारे इस लाल दीदारगंज विधानसभा के 350 के विधायक जनाब माननीय कमलाकांत राजभर जी का यहाँ पे आगमन हो चुका है। हम आपका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि क्या जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट को सजाया गया है और इस तरीके से स्कोर तरफ की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो स्कोर कार्ड शो कर रहा है कुल मिलाकर 70 रनों पर। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर चल रहा है। इन द थर्ड ओवर ऑफ द गेम स्कोर कार्ड इज 17 ऑन द बोर्ड एंड आवर चीफ गेस्ट मिस्टर कमलाकांत राजभर इज जस्ट अबाउट टू अराइव हियर एट दिस वंडरफुल वेन्यू ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द मैच, लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट एंड वी आर विटनेसिंग हियर द टीम्स आर प्लेइंग अयानी लेन वाराणसी एंड गोरखपुर। अगली गेंद वहां पर अंपायर का इशारे का इंतजार, जहां अंपायर ने कहा कि गेंद उनके कंधे से लगकर गई है, लेकिन मैं बता दूं कि आज हमारे बीच इस वक्त हमारे बीच इस टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता, इस टूर्नामेंट के मेहमान, इस टूर्नामेंट के महबूब कह सकते हैं आज हमारे बीच आ चुके हैं। हम आपका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और यहां से बताया जा रहा है लेकिन क्या लाजवाब शो खेला है। Over the log and boundary with an effortless finish. What a lovely shot. Unorthodox shot by an unorthodox batsman on that occasion. Parveen Gill, the dangerous batsman in this area, in this field of Gorakhpur. His score card is now 23 on the board. जैसे ही थोड़ी सी ऊपर गेंद थी उसको निकाल लिया पाउंड लाइन के ऊपर 6 रन के लिए। स्कोर कार्ड पर मिलाकर पहुंचा है 23 रनों पर 23 का स्कोर। सामने वाले स्कोर से गणेश के लिए, गणेश अगली गेंद बैट के ऊपरी सिरे से लगने के बाद गेंद पहुंची है और इस तरीके से मैं बता दूं कि आज हमारे लिए इस टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता, इस टूर्नामेंट के मेहमान जनाब कमलाकांत राजभर जी विधायक विधानसभा 350 दीदारगंज और मैं देख रहा हूं कि मेरे सीनियर कमेंटेटर जनाब मिस्टर सुदीप शान भी हमारे बीच आ चुके हैं। आपका भी मोस्ट वेलकम किया जा रहा है, आपका स्वागत किया जा रहा है कि आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तैयार गणेश की अगली गेंद बहुत अच्छी है पढ़ने के बाद और बाहर निकली। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड कुल मिलाकर है 24 और सुनील चांद हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका भी मोस्ट वेलकम किया जा रहा है लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच इस टूर्नामेंट की आन शान बान को बढ़ाने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं हमारे विधानसभा 350 दीदारगंज के करंट विधायक जनाब माननीय श्री कमलाकांत राजभर जी, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, कि मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई लेकिन मैं एक तेरे इशारे पर चला आया। आपका मोस्ट वेलकम। 3 ओवरों के बाद स्कोर कुल मिलाकर है 24 3 ओवर के बाद स्कोर 24 8 ही ओवर का ये मुकाबला है और मैं देख रहा हूं कि कमलाकांत राजभर जी का काफिला हमारे बीच आप देख रहे हैं आ चुका है और आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आपका मोस्ट वेलकम किया जा रहा है कि आप वक्त निकाला है। दोस्त आज के दौर में सबसे बड़ा मुश्किल काम जो होता है वो वक्त को निकालना होता है और मैं देख रहा हूं कि आज इसी क्रिया में हमारे बीच जुड़े हैं जनाब माननीय कमलाकांत राजभर जी। अगर आप देखें तो दर्शक जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, देखें राष्ट्रीय ध्वज क्या जबरदस्त माहौल पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ क्या खूबसूरत माहौल में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और यहाँ से हमारे जो मेहमान आए हैं माननीय जनाब कमलाकांत राजभर जी ये बता रहे हैं कि ये देश हमारा जो जाना जाता है कपड़ा चमड़ा तहसील के लिए, वो आज मैसेज दे रहे हैं कि वतन के जानकार हैं, वतन के काम आएंगे, तो वतन के रहे वतन के काम आए हम इस जमीन को एक रोज आसमान बनाएंगे। मैसेज और पैगाम लेकर आए हैं हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है और हिंदुस्तान की मिसाल को हम बरकरार रखेंगे। राजा कंटिन्यू फॉर हिज लास्ट ओवर क्रॉसिंग ओवर में तो मिला इन फॉर अ जायंट जैन डिक्सन
मिस्टर दीपक जिन्होंने कल क्या जबरदस्त पारी खेली थी। अरे जोड़ ले आसिफ भाई, जोड़ के लगाए दे। अच्छा तब मंगा। अब गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए दीपक सहनी। भाई मैं दीपक सहनी कल हमने देखा, नहीं जानता हूँ इसलिए बहुत माफी चाहूंगा, क्योंकि आज थोड़ा मैं कबड्डी दिखा के आया हूँ तो आसिफ भाई जब तक स्टम पा रहा है आप नॉन स्ट्राइक वाला स्टम यद कर सकते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है, स्टम पा रहा है तब तक आप नॉन स्ट्राइक का स्टम इधर लगा के उधर आप कर सकते हैं, मैच शुरू कर सकते हैं। और जिसके पास भी स्टम की जिम्मेदारी दी गई है आपको जिम्मेदारी दी गई स्टम पर मैदान में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच को तमाम बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जनाब कमलाकांत राजवंशी विधायक विधानसभा 350 सीलारगंज, साथ में मैं देख रहा हूँ कि जनाब मास्टर मालिक साहब तोमा, साथ में मोहम्मद खालिद खान साहब बकरा, काशिफ साहब बकरा, मोहम्मद अकमल बकरा जो कतरा में है, नाज मालो त्राइवीर ईगल बैग, मोहम्मद मोहम्मद अकीम साहब बकरा, श्री सुखी नरिकार बकरा भाजपा मंडल अध्यक्ष, जहामा ट्रेडर्स बकरा अबू जहामा ट्रेडर्स, जनाब मुशीर अहमद साहब बकरा नागपुर टायर, जनाब मुशीर अहमद साहब छावनी मोहल्ला बकरा, आप तमाम लोगों का शुक्रिया है। मैं देख रहा हूँ कि जनाब तारिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत और बहुत वेलकम किया जा रहा है। सुजीत चांद को भी मैं देख रहा हूँ कि गोरखपुर की टीम से जुड़े हुए हैं, और अबुसाद अहमद साहब वरिष्ठ इस टूर्नामेंट के सीनियर, बहुत कुछ देखने को मिला है और आपकी रहनुमाई में बहुत कुछ आगे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो तैयार है बिल्कुल राजा दीपक सहनी के लिए पहली गेंद, आप इस के काफी ज्यादा बाहर और वाइड गेंद का इशारा आया है अंपायर का, तो इससे वाइड के साथ स्कोर कार्ड कुल मिलाकर हुआ है 31। और मैं चाहूंगा कि अब साथ भाई ताजा करें, बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है और स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 31 का है। और
डॉक्टर सरफराज आजमी साहब का यहाँ आगमन हो चुका है, आपका भी मोस्ट वेलकम है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम हस्तियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं जो बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया है जहाँ पर तमाम जिला की टीमें आज अपने गेम को शो करें। इस टूर्नामेंट में शो किया और आज वाराणसी और गोरखपुर की दो जिलों की टीमें अपने गेम को शो कर रही है के बाहर। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर लाइन और लेंथ में थोड़ा सा भटके हैं राजा, क्या जबरदस्त यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया था बल्लेबाज अंगद यादव को। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वापसी थोड़ी सी दो गेंदें यहाँ पर खराब की है। आपकी मेहनत शुक्रिया आदित्य भाई। अभी देखिए मैं एक पोल लगा रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना जो है मतदान कर दीजिए। जनाब डॉक्टर सरफराज अहमद आजमी फैमिली हेल्थ केयर मकरमजी सेंटर दुबामा रोड इरशाद नगर नोनारी, इनकी जानिब से क्राउड कैच पर 100, हैट्रिक छक्का लगाने पर 300 और हैट्रिक विकेट लेने पर 500 का इनाम है। स्कोर कार्ड इस वक्त कुल मिलाकर 35 रन है, 33 का स्कोर है। पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर चल रहा है, एक गेंद शायद बची हुई है। 84% ओवर नहीं पाया, राजा गेंदबाजी कर रहे हैं, जीतेगी 70% और 29% में 36। फैमिली हेल्थ केयर मैटरनिटी सेंटर दुबामा रोड इरशाद नगर डॉक्टर सरफराज अहमद आसिफ साहब यहाँ मौजूद हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं हमारे करके वीडियो आता हूं क्योंकि स्कोर बोर्ड नहीं आता, देखता हूं बढ़ा रहे हैं जनाब कप्तान विधानसभा के विधानगंज 350 के वर्तमान विधायक जी आज हमारे बीच आए हैं, हम आपका मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। साथ में उन तमाम लोगों का शुक्रिया किया जा रहा है, इस बार जब को नाम किया है।